प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बूथ वर्कर्स के सम्मेलन में घोटाले और भ्रष्टाचार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। पीएम के इस बयान पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने तंज कसा है। कमलनाथ ने कहा कि पीएम मोदी ने कांग्रेस का नाम नहीं लिया है, कहीं उनका इशारा शिवराज सिंह चौहान पर तो नहीं है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ नकेल कसने वाले बयान में कहीं भी कांग्रेस का नाम नहीं लिया है, तो हो सकता है उनका इशारा शिवराज सरकार में हुए भ्रष्टाचार और घोटालों पर हो। वहीं कमलनाथ ने प्रधानमंत्री के देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर दिए बयान पर कहा कि कितने लोग यूसीसी समझते हैं, आम लोग जानते ही नहीं है यूसीसी है क्या। चुनाव से पहले वो अपनी बात करेंगे, हम अपनी बात करेंगे। देखिए, आज आम जनता के मुद्दे हैं महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसान, ये आज जनता के मुद्दे हैं। कितने लोग समझते हैं यूसीसी, कितने आम जनता में से खड़े पूछो कोई जानता है यूसीसी क्या होता है, ये जानते हैं। करें अपनी सब बात करें, क्या खराबी है सर। 23 को वो अपनी बात करेंगे, हम अपनी बात करेंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।